एक और बच्चा किडनैप कर लिया, दो हो गए अब। अंकल आपको अल्लाह पाक से डर नहीं लगता? आप क्यों ये काम करते हो? हमें क्यों किडनैप की है? हमारे माँ बाप घर परेशान होंगे। चुप। हेलो, क्या हुआ मेरे बेटे को? कब हुआ एक्सीडेंट? रात शाम को तो मैं ठीक ठाक छोड़ के आया था उसको। अच्छा अच्छा, मैं आता हूँ, अभी आता हूँ। खैर है, क्या हुआ है? यार मेरे बेटे का एक्सीडेंट हो गया है, मुझे अभी घर के लिए निकलना पड़ेगा। पागल हो गया तू? बच्चे अगवा किए हुए हैं, हर तरफ पुलिस है, इस जंगल से बाहर निकलेगा तो पुलिस पकड़ लेगी, साथ में हमें भी मरवाएगा। कुछ नहीं होता तेरे बेटे को, कहीं नहीं जाना, रुक यहाँ। अंकल, लोगों के बच्चों को अगवा करके उनके माँ बाप को परेशान करोगे तो तुम भी कभी नहीं सुकून पाओगे, कभी नहीं। और अल्लाह से मांगो, अल्लाह से। हाँ हाँ, मांगते हैं अल्लाह से। अल्लाह पाक सिर्फ अपने नेक बंदों को देता है, अगर हम जैसे गुनाहगारों को देता तो हम ये काम ना करते। नहीं नहीं अंकल, ये आपकी गलत फहमी है। अल्लाह ताला नेक बंदे को कम और गुनाहगार को ज्यादा अता करता है। एक मरतबा ना हजरत मूसा अली सलाम ने अर्ज की के मौला, जब कोई तेरा नेक बंदा तुझे पुकारता है तो तू उसे क्या जवाब देता है? फरमाया, मैं एक मर्तबा कहता हूँ लब्बैक। और फिर हजरत मूसा अलैहि सलाम ने अर्ज की के मौला, जब कोई तेरा गुनहगार बंदा तुझे पुकारता है तो फिर तू उसे क्या जवाब देता है? फरमाया, मैं तीन मर्तबा कहता हूँ लब्बैक लब्बैक लब्बैक। तो फिर हजरत मूसा अलैहि सलाम ने अर्ज की के मौला, नेक बंदे को सिर्फ एक मर्तबा और गुनहगार बंदे को तीन मर्तबा। मौला, मुझे इसकी समझ नहीं आई। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, प्यारे मूसा, नेक बंदे को अपनी नेकियों पर भरोसा होता है और गुनहगार बंदे को मेरी रहमत पर भरोसा होता है। तो अंकल, आप एक मर्तबा सच्चे दिल से सजदा करके अल्लाह की बारगाह में मांग कर देखो तो सही, इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको जरूर अता करेगा। ओए चुप कर, चल बे, इसके माँ बाप को कॉल कर और उनसे बोलो पैसे लेकर आए, फिर छोड़ेंगे इनको। ओ भाई, तू बच्चे की बातों पर गौर तो कर, वो क्या कह रहा है? मैं इस बच्चे की बातों से बहुत मुतासिर हुआ हूँ। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाह। अजान आ गई है, मैंने नमाज पढ़नी है, आप भी मेरे साथ नमाज पढ़ो और सच्चे दिल से अल्लाह ताला से मांगो, इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको जरूर अता फरमाएगा। ओए, इसके साथ नमाज पढ़ते हैं, झूठ मूठ की पढ़ लेते हैं, देखते हैं इसकी बातों में कितनी सच्चाई है, बातें तो अच्छी करता है। आज हजूर का सदका मेरी इज्जत रखना, इन चोरों लुटेरों को गैब के खजाने से अता फरमा, मौला इनको हदायत अता फरमा। बेटा, इस बैग में मेरी जमा पूंजी के सारे पैसे हैं और जायदाद के कागजात हैं, अपनी जरूरत पूरी करके बाकी गरीबों में बांट देना, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं। ओ भाई, कौन था ये आदमी? क्या हो सकता है इस बैग में? खोल के देखते हैं। इतने सारे पैसे, ये कौन हो सकता है? क्या माजरा है? अंकल, ये कोई आदमी नहीं था, बल्कि ये अल्लाह ताला की तरफ से भेजा हुआ मसीहा था। आज आपने नमाज पढ़ी और अल्लाह ताला ने आपकी मदद कर दी। ओए, अभी तो हमने झूठ मूठ की नमाज पढ़ी और अल्लाह पाक ने हमारी इतनी मदद कर दी, अगर हम सच्चे दिल से नमाज पढ़ें तो अल्लाह पाक हमारी बहुत मदद फरमाएंगे। ओए, ये बच्चा कहाँ गया? अल्लाहु अकबर। अल्लाह, 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 अल्लाह।
तेरा लाख लाख शुक्र है, आज इस बच्चे की वजह से हम सीधी राह पर आ गए हैं। हम इन बच्चों को छोड़ रहे हैं और तू हमारे बच्चों की हिफाजत फरमा।